कोजागिरी की कहानी क्या है? हम कोजागिरी क्यों मनाते हैं? कोजागिरी कैसे मनाते हैं? कोजागिरी का क्या महत्व है? आइए हम इस त्योहार की पूरी कहानी और महत्व को समझें। प्रिय मित्रों, किसी भी त्योहार को मनाने से पहले हमें उसका महत्व, उसकी कहानी और मनाने का तरीका अवश्य जानना चाहिए, तभी हम उस त्योहार से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागिरी पूर्णिमा व रास पूर्णिमा भी कहते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा को कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में इस दिन को जागर व्रत माना गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इसी दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। मान्यता है इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झड़ता है, तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है। एक साहूकार के दो पुत्रिया थी। दोनों पुत्रिया पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी, परंतु छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान के जन्म होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान का जन्म होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा विधि पूर्वक व्रत करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों के परामर्श पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधिपूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी, जो उसका घाघरा बच्चे का छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। फिर नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। इस दिन मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करके उपवास रखे और जितेंद्रिय भाव से रहे। धनवान व्यक्ति ताबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढंकी हुई स्वर्णमय लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके भिन्न भिन्न उपचारों से उनकी पूजा करें। तदनंतर सायंकाल में चंद्रोदय होने पर सोने, चांदी अथवा मिट्टी के घी से भरे हुए 100 दीपक जलाएं, फिर घी मिश्रित खीर बनाएं और बहुत से पात्रों में डालकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखें। जब एक प्रहर 3 घंटे बीत जाए, तब लक्ष्मी जी को सारी खीर अर्पण करें। तत्पश्चात भक्तिपूर्वक निर्धनों और दीनबंधुओं को इस प्रसाद रूपी खीर का भोजन कराएं और उनके साथ ही मांगलिक गीत गाकर तथा मंगलमय कार्य करते हुए रात्रि जागरण करें। तदंतर अरुणोदय काल में स्नान करके लक्ष्मी जी की वह स्वर्णमय प्रतिमा किसी दीन दुःखी को अर्पित करें। इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने करकमलों में वर और अभय लिए संसार में विचरती हैं और मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है। जागकर मेरी पूजा में लगे हुए उस मनुष्य को मैं आज धन दूंगी। इस प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला
यह कोजागर व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी इस लोक में तो समृद्धि देती ही हैं और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती हैं। प्रिय दोस्तों, कहानी कैसी है कृपया कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें, और यदि आप एक नए दर्शक हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा समर्थन करें। धन्यवाद।